अस्सलाम वालेकुम जी, आधी रात का टाइम है, हमारे पास जहीर भाई आए हुए हैं, बर्ड लेने नहीं आए, इनके बर्ड को एक बैंडिंग हो गई है, चेक करें। और ये फीमेल ब्रीडर नहीं है, ये फीमेल फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही थी, तो जो फर्स्ट टाइम फीमेल ब्रीड कर रही हो ना, उसको बड़ी एहतियात से देखना पड़ता है, क्योंकि उसका एग जो होता है ना, जगह नहीं होती है, इसलिए निकालने के लिए जगह बनानी पड़ती है। ये चेक करें, ये देखिए, फर्स्ट टाइम काफ़ी डेंजरस होता है, उसको बड़ी एहतियात से निकालना पड़ता है, पेनफुल होता है। ये तो इस फीमेल की हिम्मत है कि ये बर्दाश्त कर रही है। इधर करो, ये देखें, अब इस तरफ मेरी तरफ करो। अब ये जो इसकी जरी है ना, ये अंदर कर देनी है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम था। ये देखें जी, जहीर भाई खुश हैं? ये सुबह से परेशान थे, ये फीमेल केज के नीचे जाके बैठ रही थी और बॉक्स के अंदर जा रही थी, बॉक्स में भी जा रही थी, लेकिन ये एग नहीं दे पा रही थी, क्योंकि एग इसने ले करना था, उसकी वजह से कभी बाहर आके नीचे बैठ रही थी, कभी बॉक्स में जा रही थी। तो मैंने इनको बोला मेरे पास ले आए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, मे भी निकल आए। तो ये देखें, एग निकल आया, जाके अब इसको आप फोस्टर भी कर सकते हैं, किसी के नीचे रखना चाहे रख लें। और इस फीमेल को अभी आपने बॉक्स नहीं देना, बॉक्स आपने इसका उतार देना है, इसको सेपरेट मेल से करके ब्रूफीन का इसको एक ड्रॉप दे दें, और पानी के अंदर भी सुबह आपने ब्रूफीन देना है। लेकिन मेरे हिसाब से कम एक से डेढ़ हफ्ता इसको रेस्ट की जरूरत है, ये फर्स्ट टाइम बैंडिंग थी, तो इंशाल्लाह एक्सपायर नहीं होगी, उसको गर्म जगह पर रखना। बाकी जी आप लोगों के लिए भी मैसेज है, जब भी एग बैंडिंग हो तो बहुत ध्यान से किसी एक्सपर्ट से एग निकलवाएं, क्योंकि इसमें फीमेल मर भी सकती है, और इसके बाद भी फीमेल बहुत तकलीफ में होती है, उसको एंटोबायोटिक कोई भी दे दें या ब्रूफीन दे दें, इंशाल्लाह उससे बेहतर रहेगी। और ठंड से बचाना है, ये अभी भी कांप रही है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।